हे गाइस, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने काफी कुछ इम्पोर्टेंट कवर कर लिया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विलेजेस के बारे में तो हमें मालूम पड़ गया, अब उस समय की सिटीज के बारे में जानने के तरीके कौन कौन से हैं। देयर आर 4 वेज, स्टोरीज, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी एंड ट्रैवलर्स। इन चार सोर्सेज से हम उस समय की सिटीज के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले स्टोरीज, जातक। जातक का स्टोरीज वो स्टोरीज हैं जो उस समय के ऑर्डिनरी लोग कंपोज करते थे, लेकिन इन स्टोरीज को प्रिजर्व किया और लिखा बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जातक का स्टोरी का। दिस इज पार्ट ऑफ अ जातक का स्टोरी, द क्लेवर पुअर मैन। इस स्टोरी में उन्होंने क्लेवर आदमी कैसे अपने रिसोर्सेज और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके पैसे कमाता है और अपना प्रॉफिट करता है, इसके बारे में लिखा है। ये स्टोरी पूरी नहीं दी हुई है तो आपको शायद पढ़ने में मजा ना आए, क्योंकि अगर स्टोरी का एंड नहीं मालूम पड़ता सो इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। लेकिन इससे बेसिक मैसेज यही है कि एक बहुत ही क्लेवर आदमी है जो अपने रिसोर्सेज और अपनी इंटेलिजेंस यूज करके अपनी पॉवर्टी को ओवरकम करता है। दूसरा तरीका टू फाइंड आउट अबाउट सिटीज इज स्कल्पचर। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट्स। तो उस समय के लोगों की जो लाइफ थी सिटीज में, विलेजेस में, फॉरेस्ट्स में, इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके उस समय के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। दीज स्कल्पचर्स वर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स या ऐसी बिल्डिंग्स के गेटवेज जहाँ पे लोग अक्सर विजिट करते हों। मध्य प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट जगह है सांची, वहाँ पे भी हमें काफी सारे स्कल्पचर्स मिले हैं। सांची क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सांची स्तूप बहुत फेमस है। स्तूप इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिस्ट्स और सांची का स्तूप बहुत ही ज्यादा फेमस है। आज से 2500 ईयर्स पहले मैक्सिमम सिटीज जो डेवलप हो रही थी वो महाजनपदस की कैपिटल्स थी। इनमें से काफी सिटीज के अराउंड बहुत बड़ी फोर्टिफिकेशन वॉल्स भी बनवाई गई थी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, फोर्टिफिकेशन क्यों करते थे? सिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना पावर दिखाने के लिए। थर्ड तरीका है सिटीज के बारे में जानने का, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है उस समय, रिंग वेल्स। रिंग वेल्स क्या होते हैं? पॉट्स या सिरेमिक रिंग्स को एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया जाता है, इसको रिंग वेल्स बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि काफी केसेस में इन रिंग वेल्स को टॉयलेट्स की तरह यूज किया जाता था या कुछ केसेस में ड्रेनेज और गार्बेज डंप्स की तरह भी यूज करते थे। और ये रिंग वेल्स इंडिविजुअल हाउसेस में मिले हैं। आर्कियोलॉजी से हमें रिंग वेल्स जैसी इंटरेस्टिंग चीज तो मालूम पड़ गई, लेकिन उस समय के पैलेसेस, मार्केट्स, ऑर्डिनरी लोगों के घर के बारे में हमें काफी ज्यादा एविडेंस नहीं मिल पाया है। हो सकता है आगे की डिस्कवरीज में मिल जाए, या फिर हो सकता है कि मे बी बिकॉज दे वर मेड आउट ऑफ वुड या मड ब्रिक्स या थैच, ये पेरिशेबल थे और इनमें से ज्यादा एविडेंस सर्वाइव ना कर पाए हों। फोर्थ वे टू फाइंड आउट अबाउट सिटीज, ट्रैवलर्स। सेलर्स और ट्रैवलर्स जो दूर दूर के देशों में ट्रैवल करके आते थे, वो जो डिस्क्रिप्शन देते थे उससे हमें काफी कुछ मालूम पड़ सकता है उस समय की सोसाइटी के बारे में। ऐसा ही एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट डिस्क्रिप्शन मिला है हमें एक ग्रीक सेलर का जिसका नाम किसी को नहीं मालूम। उन्होंने वो सारे पोर्ट्स डिस्क्राइब किए थे जिसपे उन्होंने विजिट किया था। भारूच एक सिटी है गुजरात में, उन्होंने वहां पे भी विजिट किया था और उनके डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ मेंशनड है, द स्टोरी ऑफ बेरीगेजा। भरूच का ग्रीक नेम था बेरीगेजा। सेलर ने डिस्क्राइब किया कि भरूच का जो गल्फ है वो बहुत ही पतला है और वहां पे शिप को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पानी कम हो जाता है। ऐसे नैरो गल्फ में शिप को स्टीयर करने का स्किल किसके पास था? जो लोकल फिशरमैन थे जिनको किंग्स ने एम्प्लॉय कर रखा था। भरूच क्योंकि एक पोर्ट टाउन हो गया तो वहां पे बाहर से, फॉरेन से भी शिप्स आते थे। वहां पे इम्पोर्ट्स कौन से आते थे? वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ और गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और एक्सपोर्ट्स भी जाते थे लाइक प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, एगेट जो एक स्टोन होता है, जेम स्टोन होता है, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था और स्पेशल गिफ्ट्स लाते थे मर्चेंट्स किंग के लिए, जैसे कि सिल्वर से बने हुए वाजेज, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटिफुल वुमेन, फाइन वाइन, अच्छा कपड़ा, ये सारी चीजें किंग को गिफ्ट के तौर पर दी जाती थी। सो वी स्टडीड द 4 वेज जिससे सिटीज के बारे में पता लगाया जा सकता है उस समय। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस समय की, वो थी कॉइन्स। वेल्थ वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को उस समय को बिलोंग करते हुए बहुत सारे, सेवरल थाउजेंड कॉइन्स मिले हैं और दीज कॉइन्स वर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। और ये कम से कम 500 ईयर्स तक सर्कुलेशन में थे, तो इसका मतलब ये काफी टाइम तक यूज हुए थे। सो वॉट आर पंच मार्क्ड कॉइन्स? पहली बात, इनका शेप, दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, कभी कभी इवन स्क्वायर या राउंड शेप के होते थे। या तो इनको मेटल शीट से काटा जाता था और दे वर मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं? छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं और जो मेटल से बने हुए ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको फ्लैट कर देंगे अगर प्रेशर से तो कॉइन बन जाएगा।
दीज कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, इनको इंस्क्राइब नहीं किया जाता था। आपको मालूम है इंस्क्रिप्शन का मतलब, जब किसी हार्ड सर्फिस पे कार्विंग करी जाए या लिखा जाए उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सो दीज कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे वर स्टैम्प्ड विद सिम्बल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। डाई या पंच यूज करके इन कॉइन्स को स्टैम्प किया जाता था और उसपे सिम्बल्स बनाए जाते थे, इसीलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता है, यहीं से इनका नाम आता है। ये हमारे सबकॉन्टिनेंट के कई हिस्सों पे मिले हैं, सो दैट मीन्स दे वर इन वास्ट सर्कुलेशन, और ये अर्ली सेंचुरीज सीई तक सर्कुलेशन में थे। सीई मतलब आपको मालूम है कॉमन एरा, तो बीसीई बिफोर कॉमन एरा, और सीई मतलब कॉमन एरा, जो हम कहते हैं बीसी और एडी, है ना। तो ये जो है ये अर्ली सेंचुरी सीई तक सर्कुलेशन में थे, दैट मीन्स दे वर इन सर्कुलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे वर ऑल्सो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि एक छोटी पोयम है संगम कलेक्शन से, इससे हमें आइडिया लग रहा है कि सॉल्ट वॉज प्रोड्यूस्ड प्लेंटिफुली अलॉन्ग द सी कोस्ट। काफी लोग जो सी कोस्ट के पास नहीं रहते थे वो अपने प्रोडक्ट्स सॉल्ट के बदले में भी देते थे। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग वॉज एक्सचेंज विथ कॉइन्स, बार्टर सिस्टम भी चलता था, जहां पे अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं उसके बदले में आपको कुछ और दे दूंगी, एंड देन वील एक्सचेंज गुड्स। नाउ वी कम टू सिटीज विथ मेनी फंक्शंस। काफी बार ऐसा होता था कि एक सिंगल टाउन एक वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मथुरा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जिन सिटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं या आपका उसके आसपास से या उस सिटी से कोई भी कनेक्शन है, तो आप अपनी सिटी की एक फोटोग्राफ और उसका एक फन फैक्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे टैग करिए, और हम आपको फीचर करेंगे अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज पे, और हमें मौका मिलेगा आपकी सिटी के बारे में कुछ नया जानने का। 2500 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम के लिए मथुरा हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। ऐसा क्यों? फर्स्ट रीजन, लोकेशन। दो मेजर ट्रैवल और ट्रेड के रूट्स हैं जिसके क्रॉस रोड्स पे मथुरा सिचुएटेड है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ये दोनों ही रूट्स ट्रैवल और ट्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे, और इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पे मथुरा सिचुएटेड है। दैट इज वॉट मेक्स इट्स लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मथुरा के अराउंड फोर्टिफिकेशंस भी थे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंट सिटीज के अराउंड फोर्टिफिकेशन करते थे, मैसिव वॉल्स बनवाते थे सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। और मथुरा में बहुत सारी श्राइन्स भी हैं। आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, वहां के फार्मर्स और हर्डर्स मथुरा सिटी के लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करते थे। दूसरा रीजन ऑफ व्हाई मथुरा इज इम्पोर्टेंट इज स्कल्पचर। मथुरा वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स ऑफ दैट पीरियड। मथुरा रीजन में आर्ट एंड क्राफ्ट और स्कल्पचर ने बहुत तरक्की कर ली थी उस टाइम पे, एंड दैट इज वाई इट मेड मथुरा वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड रीजन है कि इट बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशांस। अराउंड 2000 ईयर्स अगो कुशान डायनेस्टी ने मथुरा को अपना सेकेंड कैपिटल बना दिया था। फोर्थ रीजन है रिलीजियस सेंटर। ये तो आपको मालूम ही होगा कि मथुरा इवन टूडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर। उस समय भी मथुरा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जैन श्राइन्स थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और फिफ्थ रीजन है इंस्क्रिप्शंस। मथुरा में हमें कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो स्टोन स्लैब्स पे या स्टोन स्टैचूज पे किए गए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस जनरली शॉर्ट हैं, और इनको लिखा गया था गिफ्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेन या वुमेन ने मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को दिए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आज भी काफी सारी रिलीजियस प्लेसेस में ऐसे स्टोन स्लैब्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस चीज को डोनेट एक्स वाई जेड पर्सन ने किया है। सो ये वही चीज थी। दीज गिफ्ट्स वर मेड बाय किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन, जो भी सिटी में रह रहे थे उनमें से काफी लोग ऐसे गिफ्ट्स और डोनेशंस देते थे रिलीजियस प्लेसेस को। इन इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन का भी मेंशन है, जैसे गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उस टाइम के अराउंड मथुरा में बहुत सारे क्राफ्ट्स प्रेवलेंट थे और बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन इन क्राफ्ट्स पे डिपेंड करता था। तो ये था हमारा पार्ट टू ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है, और अब थोड़ा सा और बचा है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, वो हम पार्ट थ्री में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस और आपका अप्रिसिएशन हम तक कन्वे कर देता है। I'll see you next time with the next part of this chapter. Tab tak ke liye stay safe and study well. Bye bye.